भी 12th किए हुए हैं या जिनकी ग्रेजुएशन चालू है, मैं उनसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ भाई, ये ना इधर गेस्ट रूम है तो इसके ऊपर ही टैंक रखा हुआ है, तो यहाँ पे ना अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो तो मोटिवेशन और हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम इज प्रतीक एंड स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में। तो भाई मैं अभी जस्ट सो के उठा हूँ, तो अभी 6 बजे हैं और मैं लेट इसलिए हुआ हूँ क्योंकि बारिश पड़ रही है, ठंड का मौसम है, तो मैं अभी रजाई पर लेटा हुआ था लेकिन लाइट आ गई थी तो मैंने कहा चलो अब उठा जाए और फ्रेश व्रेश होकर के पढ़ा जाए। अब हमने डेली ब्लॉग करने का प्रण लिया है तो भाई कुछ ना कुछ तो बनाया जाएगा, तो पहले मैं ब्लॉग अपलोड करता हूँ एंड अगर अभी तक नहीं देखा ना तो जल्दी देख लो जाकर के। ये देख लो भाई बारिश, क्या खतरनाक बारिश हो रही है, मतलब आज तो कल से भी ज़्यादा तेज़ हो रही है यार। लाइट की भी बैंड बज गई, सामने पानी की बूंदें पड़ पड़ के उस पर। 8 बज गए और अभी तक बारिश शांत होने का नाम नहीं ले रही है। मैं सोच रहा हूँ कब ये बंद हो मौसम, मैं ऐसे मौसम में पता आलस के सिवा कुछ नहीं आता था। और मैं ठंड भी लग रही है, नहाने का भी मन नहीं करता भाई। तो कहीं नहा धो के ऑल सेट और मौसम ठंडा है इसलिए मैंने आज स्वेट शर्ट पहन ली। और रात पता है मैं दो कंबल में, एक तो ये चादरा और एक ये कंबल है, इन दो कंबल में घुस के सोया था रात में। सोचो तुम ठंड हो रही थी बढ़िया वाली। सूर्यदेव को जल दे के आएंगे और उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे फिर अगला कार्यक्रम शुरू करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप ना सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो जल्दी जल्दी एकदम। और ये हमारा चैलेंज का आज दूसरा दिन है, दूसरा ब्लॉग है आज चैलेंज का। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा और मैं और कुछ अच्छा अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैं पहले सूर्यदेव को जल देता हूँ एंड मिलता हूँ आपसे। तो भाई जो कल प्रॉब्लम हुई थी ना लैपटॉप में वो अभी तक ऐसी ही ऐसी है। कल मैंने तुम्हें दिखाया था ना कि मैंने इसको रीस्टार्ट पे लगाया हुआ और इसमें कुछ लिखा हुआ आ रहा है, मैंने इसको चार्ज करके इसको ऑन किया तो ये ऐसे ही दिखाई आ रहा है। एक चीज़ और बता देता हूँ, आज पता है मेरा इंटरव्यू भी है, एक ऑनलाइन इंटरव्यू है, तो उसमें देखता हूँ क्या रहता है। पार्ट टाइम जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया था तो देखते हैं क्या रहता है ना। तो आज इंटरव्यू देते हैं, करीबन 12 बजे इंटरव्यू है, तो उससे पहले हम अपना काम कर लेते हैं क्योंकि भाई तो 12 तो बहुत देर में बजेंगे ना, तो उससे पहले हम अपना काम भी तो करना है। तो मेरे भाई नहीं कर रहा टर्न ऑफ नहीं कर रहा मेरे भाई, चल जा भाई प्लीज़ भाई प्लीज़ यार। दोस्तों अब मेरा सफर का बांध टूटता जा रहा है, मैं सही बता रहा हूँ, मैं इसे फोड़ दूंगा, फोड़ दिया तो फिर जितने काम हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे। अभी एक दो दिन के लिए अटक रहे हैं, फिर पता नहीं कितने दिन के लिए अटक रहे हैं, कुछ नहीं कह सकते। इसे कहते हैं बेरोजगारी, जब तुम्हारे पास कोई खराब चीज़ होना उससे काम चलाना पड़ता है, कैसे ना कैसे करके एडजस्ट करना पड़ता है। ये लैपटॉप मुझे बहुत दिन से प्रॉब्लम दे रहा है, लेकिन बेरोजगार की वजह से पैसा नहीं और पैसे की वजह से हम कुछ और चीज़ खरीद नहीं पा रहे हैं, तो सिस्टम ऐसे ही है कुछ। तो आपसे हमारी दिली प्रार्थना रहे, कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार प्लीज़, ताकि हम अपना नया लैपटॉप लेके आ सकें और दूसरा फ़ोन या फिर आईफोन लेके आ सकें, ताकि हम आपको वीडियो क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी दे सकें, समझ रहे हो ना। तो भाई चल गया भाई। अबे ये तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा भाई, देखो तो उसको, तो मैं इसकी ड्रामेबाजी दिखाता हूँ, खुलेगा क्या एकदम। ये देखो मैंने क्लिक कर दिया, अभी तक नहीं खुला ना, यही चीज़ हो रही है इसमें। मेरे लैपटॉप का भाई नशा हो गया, इसने पता नहीं क्या खा लिया। लो जी बारिश भी शुरू हो गई, चैन नहीं इंद्रदेव को, चौथा दिन है आज, फिर भी हद हो गई है यार अब तो। अभी फुहार शुरू हो गई है, पतली पतली बूंदें पड़ रही हैं बहुत ज़्यादा, मैं जल्दी भागता हूँ, ठंड तो है अगर भी नहीं। अरे आजा भाई आजा, चलो वहीं जाके बात करते हैं, ये नहीं ब्लॉक करने देंगे भाई रोड पे। तो पापा घर पे थे नहीं, मुझे लगा पापा कहीं गए, पापा गए कहीं नहीं, यहीं हैं। ओहो अभी गिरा होता मैं, कीचड़ में फंस गया था मेरा पैर, ये देख रहे हो रपटन वाला माहौल रखा। वो है सामने हमारी लड्डू, उसके चारे का जुगाड़ चल रहा है। ये देखो घूरे जा रही है, मैं सामने बैठा हूँ और ये घूरे जा रही है। क्या हो गया है, क्या हो गया बेटा, आज तो तुझे पापा ने बहुत खिला दिया। मम्मी पापा दोनों चले गए क्योंकि घर पे कुछ मेहमान भी आए हुए हैं, तो वो उन्हें देखेंगे भाई। मेरा तो ऐसा हो गया है आजकल कि घर में कोई मेहमान आए ना आए, पता नहीं मुझे फ़र्क पड़ना बंद हो गया है, या इसे ही बेरोजगारी कहते हैं या इसे ही डिप्रेशन कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता डिप्रेशन क्या होता है। बट हाँ सुबह से मैं आज बहुत ज़्यादा ही लो फील कर रहा हूँ, पर खैर कोई बात नहीं, मैं अपने आप को इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ कि यार चल ठीक है, हो रहा जो भी हो रहा है ठीक है। माइंड में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं ना जब, तो तुम्हें समझ में नहीं आता कि यार कौन सी चीज़ को पहले प्रायोरिटी देनी है। वैसे ही कुछ मेरे साथ हो रहा है ना, अगर तुम मेरी उम्र में आकर के 23-24 साल की उम्र में आकर के अगर तुम बेरोजगार हो ना तो तुम शायद समझ सकते हो, क्योंकि भाई बेरोजगारी एक ऐसी चीज़ है ना कि तुम्हें कुछ नहीं मिलता यार। अगर तुम बेरोजगारी में अगर तुम प्यार भी कर लोगे ना किसी से भाई, वो भी नहीं मिलेगा तुम्हें, मैं सही बात बता रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, बहुत ही सारी, अगर तुम टाइम रहते कुछ नहीं करते हो ना, टाइम रहते अपने आप पर प्रेशर नहीं डालते हो, अपने आप को कम्फर्ट लेवल से बाहर नहीं करते, कुछ नहीं मिलता भाई। जो भी तुम्हारे यार दोस्त हैं, जो भी तुम्हारा प्यार है ना, जिसके जिनके साथ तुमने बड़े सारे फ्यूचर प्लानिंग्स किए हैं, अगर तुम लेट कामयाब होते हो, लेट तुम कुछ करते हो ना, तो सब कुछ होता है, तुम्हारे पास पैसा शोहरत दौलत सब कुछ होती है,
लेकिन वो इंसान नहीं होते यार। तो भाई सबसे पहले काम है आप वो, बाकी सब चीज़ें बाद में करो। मेरी एज से जो भी छोटे हैं ना, जो भी 12th किए हुए हैं या जिनकी ग्रेजुएशन चालू है, मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ भाई, पहले कुछ कर लो, बाकी सब चीज़ें प्यार मोहब्बत के चक्कर में बाद में पढ़ना। क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत नज़दीक से जानता हूँ, है ना, कि ये सिचुएशन क्या होती है, क्योंकि मेरे ऊपर गुजर रही है इस टाइम। बड़ी सारी चीज़ें करता हूँ मैं, लेकिन पता नहीं आजकल किसी काम में सक्सेस नहीं मिल रही है, क्यों कुछ समझ नहीं आ रहा। पर कोई बात नहीं, लगे रहेंगे, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, चलो नहीं सकते तो रहेंगे, तो साला कुछ भी हो रहेंगी ना हूँ, एक ना एक दिन कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाऊँगा। बड़ी सारी चीज़ें लाइफ में पीछे छूट गई हैं, लेकिन ना अब जो चीज़ें हैं ना, इनको पाने की, जिनको चांस है पाने के यार, वो ना पीछे छूटें, बस भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। और बाकी कामयाब हो जाओ, सारी चीज़ें मिल जाएंगी भाई, हर चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि हैप्पीनेस उसी में है यार, हैप्पीनेस अपनों के साथ ही है, बाकी तो कौन है, क्या है, कोई किसी का नहीं भाई। ये तुम सोच रहे हो आज पता नहीं क्यों इमोशनल हो रहा, क्या है, मैं सही में आज मेरी दिल की बातें नहीं कर रही, मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा हूँ आज, बहुत ज़्यादा, कई दिन से चल रहा है वैसे मेरे साथ ही। दोपहर के 3 बज गए और तो मैं तुम्हें आज छत पे घुमा के लाता हूँ कि कैसा रहता है। थोड़ा सा मैंने पता क्या किया, मेरा दिमाग तो थोड़ा ख़राब था ही, मतलब ऐसे थोड़ा ऑफ सा फील कर रहा था मैं, तो मैं थोड़ी देर पहले बैठा शांत होकर के, थोड़ा सा मेडिटेशन किया। एक बार तुम पीछे का मौसम इन्जॉय करो, देखो अब बढ़िया मौसम हो रहा है भाई, मज़ेदार एकदम। और हो सकता है अभी कुछ दिन में, मतलब एक या दो दिन या 4 दिन में शायद मैं घर से बाहर भी जा सकता हूँ, बाहर यानी कि इन दी सेंस कि मैं कहीं घर से बाहर सेटल हो सकता हूँ। तो देखते हैं क्या रहता है, जैसे भी होगा, जो भी होगा, सब चीज़ आपको बताई जाएगी, क्योंकि यार आप ही तो हो मेरे सहारे, है ना, और है ही कौन। बादल बादल वही है, बादल नहीं रुक रहे भाई, क्या पता अब ये हवा बादलों को ले जाए यहाँ से कहीं और, बरसात ले जाए भाई, यहाँ जरूरत नहीं है अब यार, प्लीज़। ये ना इधर गेस्ट रूम है, तो इसके ऊपर ये टैंक रखा हुआ है, तो यहाँ पे ना इस साइड में, इस रूम के साइड में बहुत ज़्यादा सीलन है अंदर से, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो कितनी ज़्यादा सीलन है भाई, कितनी ज़्यादा सीलन है, ये बहुत, मतलब बहुत गलत बात है यार, अभी नया नया घर है और इतनी ज़्यादा सीलन, ये यार ठीक बात नहीं है भाई, इसका कुछ करना पड़ेगा। ये तो खैर चलो, इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी ये ऊपर से खुला हुआ है ना, तो पौड़ियों पर से पानी जा रहा है, तो वहाँ आपसे कोनों में से, खैर मतलब दिक्कत तो है, इसकी भी दिक्कत है और इसकी सबसे ज़्यादा दिक्कत है, इसकी तो खैर इतनी दिक्कत नहीं है, बट ये ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है भाई। यहाँ पे पानी भी नहीं खड़ा है ऊपर, लेकिन फिर भी यहाँ पे सीलन है जो नहीं होनी चाहिए। तो ये रखिए लड्डू की प्लेट, हाँ नहीं, और वही ये है कुट्टी, तो इसमें कुट्टी भर के इसे रखता हूँ, ये खाने के लिए करती है, इसको उठा के रख देता हूँ मैं, खा लिया आराम से, ठीक है जी, अब ये खा रही है और अब हम पढ़ लेते हैं। अपना समय पूरा करने के बाद यहाँ से अब चल रहे हैं हम घर, और अभी जाना मार्केट है, अभी जाना मार्केट। ये पता बहुत हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, आपको ऐसे दिखाई नहीं देंगी, मतलब हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि ये तो छोटी छोटी बूंदें हैं ना, ये सिर में धूं कर देती हैं, तो इसलिए मैंने छाता लगा रखा है। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ मार्केट से वापस, और बात कुछ ऐसी है भाई, आज मार्केट में लग गए बहुत टाइम, मैं अभी करीबन आधा घंटा पहले ही आया, इस लैपटॉप के चक्कर में गया था, मैंने कहा यार ये ठीक हो जाएगा तो थोड़ा सा सही हो जाएगी कहानी। तो बात कुछ ऐसी है कि इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, और आज का ब्लॉग कैसा लगा, क्या लगा, जो भी है आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हो। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स कर दिया करो यार, अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है।